नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में द्वितीय पटले अर्थात पाठ दो पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि हम लास्ट ईयर ये पढ़ चुके हैं। लट लिट लकारयो आधारे अर्थात लट और लिट लकार पर आधारित। लट और लिट लकार क्या होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि ये पाठ हमारा इसी पर आधारित है। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, ये हम सभी जानते हैं कि लकार को काल कहा जाता है और क्रिया को धातु कहा जाता है। तो हमारे कितने काल होते हैं? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। भूतकाल हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। अभी यहां पर इसमें लट लट लकारयो आधारित अर्थात ये हमारा जो पाठ है वो इन दोनों काल पर आधारित है। तो ये हमने पहले पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम दोबारा इसका एक बार अध्ययन करेंगे, तभी ये पाठ हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लट लकार पढ़ते हैं। सभी जानते हैं क्रिया धातु कहलाती है। जैसे हमारे पास यहां पर क्रिया पढ़ना क्रिया है और धातु पट धातु। इसके अगर हम रूप पढ़ते हैं तो रूप वर्तमान काल में किस प्रकार चलते हैं? सबसे पहले हम वचन लिखेंगे। सभी जानते हैं संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पट धातु के सबसे पहले एक वचन में प्रथम पुरुष में पुरुष भी हमारे तीन होते हैं, ये हम पहले से ही जानते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब पट धातु के रूप हमारे यहां पर एक वचन में प्रथम पुरुष में सबसे पहले रूप आएगा पठति अर्थात पढ़ता है, पठते अर्थात दो पढ़ते हैं, पठंती अर्थात बहुत सारे पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में पठसी पढ़ते हो, पठते तुम दो पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में पठामि मैं पढ़ता हूं, पठा वह है, वे दो पढ़ते हैं, हम दो पढ़ते हैं और पठा मैं है, हम सब पढ़ते हैं। ये हमारा लट लकार वर्तमान काल है। इसमें पठती पढ़ते पठंती, पठसी पढ़ते पठत, पठामी पठावे पठामे, इस प्रकार रूप चलते हैं। इसकी जगह अब तो ये पाठ हमारा इसी पर आधारित है, यानी वर्तमान काल के आधार पर ही हमारा पूरा पाठ चलेगा। उसके अतिरिक्त लट लकार अर्थात भविष्य काल इस पर हमारा चलेगा। तो अब हम देखते हैं भविष्य काल के रूप किस तरह से चलते हैं, वो भी हम पट धातु के ही देखेंगे। केवल लट और लिट लकार में क्या अंतर है? ला में नीचे री आएगी तो वो बोलते हैं लिट लकार भविष्य का। अब पट धातु के इसमें रूप सबसे पहले
पठिष्यति, वह पढ़ता है, पठिष्यते है, वे दो पढ़ते हैं, पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में पठिष्यते है, पठिष्यसि, पठिष्यते है, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावह, पठिष्यामे है। वह पढ़ेगा, वे दो पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। तुम पढ़ोगे, तुम दो पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। मैं पढ़ूंगा, हम दो पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। ये इसका अर्थ है। इसी के साथ हमने पहले सहतउते पढ़ा था, दोबारा एक बार पढ़ते हैं। वह, वे दोनों, ये कर्ता, ये हमारी क्रिया हो गई और वो हमारा कर्ता है। तो यही हम लिखेंगे, सह, वह, तउ, वेदो, ते, वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब, अहम, मैं, आवाम, हम दो, और वयम, हम सब। तो अगर हम इसका अर्थ करेंगे तो क्या होगा, वह पढ़ेगा, वे दो पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। तुम पढ़ोगे, तुम दो पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। मैं पढ़ूंगा, हम दो पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। ये हमारा भविष्य काल है। तो इसी पर आधारित, अर्थात लट और लिट यानी वर्तमान काल और भविष्य काल पर हमारा ये पाठ पूरा आधारित है। अब हम अपना पाठ पढ़ेंगे, लेकिन पाठ को प्रारंभ करने से पहले एक बार हम दोबारा उनके वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों को पढ़ेंगे दोबारा, जिससे हमें और अच्छे से स्पष्ट हो जाए कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि अभी हमने कर्ता के साथ पढ़े थे, धातु पढ़ी थी, अब दोबारा सह पठती, अर्थात वह पढ़ता है, ये हमारा लट लगा वर्तमान काल, और यहां हम लिखेंगे नृत लगार भविष्य काल। अब यहां है हमारा सह पठती, तो यही वाक्य अगर हमें बनाना है लृत लकार में भविष्य काल में, तो हम कैसे बनाएंगे, सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ पठते, अर्थात वे दोनों पढ़ते हैं, और यही अगर हम भविष्य काल में बनाएंगे तो तौ पठिष्यते है, वे दोनों पढ़ेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ते पठंती, अर्थात वे सब पढ़ते हैं। इसी को भविष्य काल में लिखेंगे तो ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। ये हमारा एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये पूरा हमारा प्रथम पुरुष। अब हम मध्यम पुरुष में पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष किसके लिए उपयोग में होता है, दूसरे के लिए। त्वम पठसि, तुम
पढ़ोगे, तुम पढ़ते हो। यहां वर्तमान काल है तो यह आएगा तुम पढ़ते हो, और इसी को अगर भविष्य काल में लिखेंगे तो त्वं पठिष्यसि अर्थात तुम पढ़ोगे। वहीं द्विवचन में युवाम पठत है, तुम दोनों पढ़ते हो। भविष्यकाल में युवाम पठिष्यत है अर्थात तुम दोनों पढ़ोगे। बहुवचन में यूयम पठत, तुम सब पढ़ोगे, तुम सब पढ़ते हो। और यहां भविष्यकाल में यूयम पठिष्यत अर्थात तुम सब पढ़ोगे। यहां यह भी ध्यान जरूरी है कि पठते और पठत यहां विसर्ग होते हैं द्विवचन में, और बहुवचन में विसर्ग नहीं होते, क्योंकि अगर हमने यहां विसर्ग लगा दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यहां हमने विसर्ग नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। द्विवचन में विसर्ग लगेगा, बहुवचन में विसर्ग नहीं आएगा, केवल विसर्ग का ही अंतर होता है। तो ये हमारा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये हमारा है मध्यम पुरुष। ये हमारा क्या था? प्रथम पुरुष, ये हमारा मध्यम पुरुष। ये एकवचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। इसी तरह से अब हम उत्तम पुरुष देखेंगे। उत्तम पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। लट लकार, वर्तमान काल और डट लकार, भविष्य काल। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, और भविष्य काल में क्या बनेगा? अहम पठिष्यामी अर्थात मैं पढ़ूंगा। द्विवचन में आवाम पठावे है, हम दोनों पढ़ते हैं। वहीं लट लकार भविष्य काल में आवाम पठिष्यावे है, हम दोनों पढ़ेंगे। बहुवचन में वयम पठामे हैं, हम सब पढ़ते हैं। भविष्यकाल में वयम पठिष्यामे हैं, हम सब पढ़ेंगे। तो केवल अंतर किसका है? यहां पठामी है और यहां पठिष्यामी। ये हमारा वर्तमान काल है, ये हमारा भविष्य काल है। अब यहां हमने पट धातु ली थी, हम धातु कोई सी भी ले सकते हैं। जैसे दूसरी धातु देख लेते हैं कोई, जैसे यहां पर है कीड़ती, ये कीड़ामी, यही ले लेते हैं हम। उत्तम पुरुष में कीड़ती बनता है हमारा प्रथम पुरुष में एक वचन में। यहां हम उत्तम पुरुष है तो हम उत्तम पुरुष से देख लेते हैं कीड़ामी, और यहां क्या बनेगा हमारा? क्रीडिष्यामी। कोई सी भी धातु ले सकते हैं हम। यहां है खादामी और यहां खादिष्यामी। इसी प्रकार गच्छामी, जाता हूं, और गमिष्यामी, जाऊंगा। तो केवल यहां इष्यामी का अंतर होता है पठामी और पठिष्यामी। यहां पर
जब भी हम लिखते हैं यहां शे, इसका अंतर हो जाता है, ये हमारा बीच में आ जाता है और ठा पर ई की मात्रा लग जाती है, तो ये हमारा बन जाता है पठिष्यामी, पठामी, पठिष्यामी। ये है वर्तमान काल और भविष्य काल में अंतर। अब हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि हमारे वही पूरे पाठ हमारा इसी पर आधारित है, तो हम अब पाठ का जो अर्थ करेंगे वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वहां पे अगर चलामी है तो चलता हूं, चलिष्यामी है तो चलूंगा, गच्छामी है तो जाता हूं, गमिष्यामी है तो जाऊंगा, पठामी है पढ़ता हूं, पठिष्यामी है तो पढ़ूंगा। तो अब हम अपने पाठ का अर्थ अच्छे से निकाल सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले पाठ का अर्थ करेंगे। अब हम हमारे पाठ में दो वार्तालाप दे रखे हैं, तो सबसे पहले प्रथम जो वार्तालाप है उसका हम अर्थ करेंगे। ये वार्तालाप राम और मोहन के बीच हो रहा है, दोनों बात कर रहे हैं। सबसे पहले राम बोलता है, राम है, राम बोलता है मोहन, त्वं कुत्र गच्छसि? मोहन, त्वं अर्थात तुम, पुत्र कहाँ, गच्छसि जाते हो, तुम कहाँ जाते हो? मोहन, अहम आगरा नगरम गच्छामि। अहम, मैं आगरा नगरम, आगरा नगर को, गच्छामि जाता हूँ, मैं आगरा नगर को जाता हूँ। राम है, राम, त्वं तत्र किमर्थम गच्छसि? तुम तत्र वहाँ, किमर्थम किस लिए, गच्छसि जाओगे, तुम वहाँ किस लिए जाओगे? मोहन, तत्र मम मातुलस्य गृहम अस्ति, अहम तत्र भ्रमणाय गच्छामि। तत्र वहां, मम मेरे, मातुलस्य मामा का, गृहम घर है, वहां मेरे मामा का घर है। अहम मैं, तत्र वहां, भ्रमणाय भ्रमण के लिए यानी घूमने के लिए, गच्छामि जाऊंगा, मैं वहां घूमने के लिए जाऊंगा। राम है, राम, आगरा तो विश्व प्रसिद्धम नगरम अस्ति। आगरा तो विश्व प्रसिद्ध नगरम अर्थात शहर अस्ति है, आगरा तो विश्व प्रसिद्ध नगर है। मोहन, आम, हाँ, तत् ताजमहल अपि अस्ति। हाँ, वहां ताजमहल भी है। राम है, राम, अहम अपि शरद अवकाशे पितृभ्याम सह तत्र गमिष्यामि। मैं अपि भी शरद अवकाशे अर्थात सर्दी की छुट्टियां, पितृभ्याम माता पिता सह साथ वहां, तत्र वहां गमिष्यामि जाऊंगा, मैं भी सर्दी की छुट्टियों में माता पिता के साथ वहां जाऊंगा। तो इस तरह से अगर हम लट और लट लकार का अध्ययन पहले नहीं करते तो ये हमें अच्छे से समझ में नहीं आता। अब हम उसका अध्ययन कर चुके हैं तो ये पाठ हमें बहुत अच्छे से, इसका अर्थ हमें समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा प्रथम वार्तालाप जो है वो समाप्त होता है। अब द्वितीय वार्तालाप का अर्थ देखें। ये हमारे पाठ का द्वितीय वार्तालाप। प्रथम हम पढ़ चुके हैं पूरा, उसका हमने उच्चारण किया और अर्थ किया। अब इसका हम उच्चारण करते जाएंगे और अर्थ करते जाएंगे। रमा, दूरभाषे, दूरभाष अर्थात टेलीफोन पर वार्तालाप हो रही है। रमा राधिका से बोल रही है, राधिके त्वं किं करोषि? राधिका, त्वं अर्थात तुम, किं क्या, करोषि कर रही हो, राधिका तुम क्या कर रही हो? राधिका, रमे अर्थात रमा, अहम मैं, पठामी पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। रमा कहते फिर, किम त्वम स्वह, किम अर्थात क्या, त्वम तुम, स्वह कल, मम मेरे, गृहम घर, आगमिष्यसि आओगी, क्या तुम कल मेरे घर आओगी? राधिका, स्वह
कल अहम मित्रहि सह भ्रमणाय गमिष्यामि। अहम मैं मित्रहि मित्रों के सह साथ भ्रमण के लिए यानी घूमने के लिए जाऊंगी। मैं मित्रों के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। किम त्वम अपि चलिष्यसि, क्या तुम अपि भी चलिष्यसि चलोगी, क्या तुम भी चलोगी। रमा यूयम कुत्र गमिष्यत है, तुम सब कहाँ जाओगे। राधिका वयम हम सब जंतुशालायाम दष्टुम गमिष्याम, जंतुशालायाम अर्थात चिड़ियाघर दष्टुम देखने के लिए गमिष्याम में जाएंगे, हम सब चिड़ियाघर देखने के लिए जाएंगे। रमा अहम अवश्यम चलिष्यामि, अहम मैं अवश्य ही चलूंगी, चलिष्यामि चलूंगी। राधिका बाड़म अर्थात अच्छा, हम सब वयम तब प्रतीक्षाम करिष्यामे, वयम हम सब तब तुम्हारी प्रतीक्षा करिष्यामे करेंगे, अच्छा हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। तो इस तरह हमारे पाठ के दोनों ही वार्तालाप जो थे आज उसका हमने अर्थ कर लिया है, उच्चारण किया है और उसके साथ साथ हमने अर्थ किया है। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। अब हम सबसे पहले शब्दार्थ लिखते हैं। कुत्र अर्थात कहाँ, किमर्थम अर्थात किस लिए, आम हाँ, जंतुशाला अर्थात चिड़ियाघर, बाड़म अर्थात अक्षा। दोबारा देखें, कुत्र कहाँ किमर्थम किस लिए, आम हाँ, जंतुशाला चिड़ियाघर, बाड़म अच्छा। इसके बाद द्रष्टुम देखने के लिए, तत्र वहां स्वय अर्थात आने वाला कल, अपि भी। दोबारा देखें, द्रष्टुम देखने के लिए, तत्र वहां स्वह आने वाला कल, अपि भी। इस तरह से हमारे ये शब्दार्थ अब समाप्त हुए। तो आज हमने लट और लिट लकार पर आधारित अपना जो दूसरा पाठ था उसका अध्ययन किया। तो हमें लट और लिट लकार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे का जो हमारा पाठ है लंग लकार उसको हम पढ़ सकते हैं। तो अब इसके आधार पर हम अभ्यास कार्य करेंगे, लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले एक बार हम उचित कर्ता के साथ उचित क्रिया क्या भरी जाती है हमारी और उचित क्रिया के साथ उचित कर्ता क्या होता है ये भी जान लें तो आवश्यक है। जब हम ये ज्ञान हो जाएगा हमें कि उचित कर्ता उचित क्रिया क्या है, तभी हम आगे का अभ्यास कार्य और अच्छे से कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं उसके साथ लट लकार और लिट लकार की कौन सी क्रियाएं चलती हैं। जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता कौन सा होता है हमारे पास, सह तौ ते, वह वे दोनों वे सब, ये हमारा है प्रथम पुरुष। ये पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में सा
ते ताह। इसी तरह मध्यम पुरुष में त्वं युवां यूयम्, और उत्तम पुरुष में अहम् आवाम वयम्। अब हमने अपनी क्रिया पढ़ी थी लट लकार में, किसी भी धातु की क्रिया, जो हमारे जैसे पट धातु है हमारे, तो पट धातु की क्रिया किस तरह से चलती है, क्या रूप बनते हैं हमारे, एक वचन में क्या रूप बनता है, पठती, पढ़ते हैं, पठंती। तो अगर यहाँ पर हमें सह या सा दे रखा है, ये एक वचन का करता है, तो इसके साथ हमारी क्रिया आएगी पठती। द्विवचन का ताऊ या ते है, इसके साथ हमारी क्रिया क्या आएगी, पठत है। और ते ता ये हमारी बहुवचन का करता है, तो इसकी क्रिया आएगी पठंती। ये हमारा लट लकार है वर्तमान काल, और इसकी जगह भविष्य काल लट लकार होगा, तो वहां क्रिया क्या हो जाएगी, हमारा कौन सा रूप हो जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। इसी तरह मध्यम पुरुष में त्वम करता है, तो इसके साथ हमारी जो रूप आएगा वो आएगा पठसी, युवाम के साथ पठत है, और यूयम के साथ पठत। इसी तरह अहम पठामी, आवाम के साथ पठावे है, और वयम के साथ पठाम में है। इस लट लकार में ये रूप आते हैं, और लट लकार भविष्य काल में तो हम पठिष्यसी, युवाम पठिष्यत है, यूयम पठिष्यत, अहम पठिष्यामी, आवाम पठिष्याव है, वयम पठिष्याम है। अर्थात हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी वचन का, जिस भी पुरुष और जिस भी वचन का कर्ता होता है, उसी की क्रिया प्रयोग में लाई जाती है। अगर एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया होगी, द्विवचन का है द्विवचन की होगी, बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया होगी। मध्यम पुरुष एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया प्रयोग में लाई जाएगी। अर्थात जिस भी पुरुष और जिस भी वचन का करता है, उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया हमारी प्रयोग में लाई जाएगी। अगर हम क्रिया और कर्ता का ध्यान नहीं रखेंगे तो वाक्य हमारे सारे गलत हो जाएंगे। जो उचित कर्ता का है, उचित क्रिया भरनी है, उचित क्रिया दे रखी है तो उचित कर्ता भरना है, वो तभी सही हम भर सकते हैं जब हमें ये ज्ञान हो कि किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया भरनी है। और ये ज्ञान तब कब होगा, जब हमें रूप याद हो जाएंगे। तो पट धातु में किस तरह से रूप चलते हैं हमारे, लट लकार में वर्तमान काल में, और लट लकार भविष्य काल में किस तरह रूप चलते हैं, तो उसके आधार पर हम इसको भर सकते हैं कि किस में कौन सी क्रिया भरनी है और किस क्रिया के साथ किस कर्ता का प्रयोग करना है। तो अब हम आगे का अभ्यास अच्छे से कर लेंगे।